नमस्कार दोस्तों, मेरे जब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुडे। जब भी किसी घर का रिनोवेशन होता है, इंडियन टॉयलेट है उसको हम कमर में कन्वर्ट करते हैं, तो एक कॉमन प्रॉब्लम आता है कि जो डोर रहता है वो आइदर रिप्लेस करना पड़ता है या फिर नया बनाना पड़ता है। तो उसका एक नया तरीके से हमने इधर एक जगह रख दिया है। इस डोर को बिना कटे सिर्फ एक साइड से स्ट्रिप काट करके उसी को मॉडिफाई करके बैठा है। इसका हम आज लाइव एग्जाम्पल देखें। ये एक टॉयलेट है, यहाँ पहले इंडियन डब्ल्यूसी था, इसको कमर में कन्वर्ट किया है। तो कमर में कन्वर्ट करते समय ये दरवाज़ा छोटा पड़ रहा है, खुल नहीं रहा, क्योंकि ये कमर आने की वजह से उसका एरिया पूरा बढ़ रहा है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए दो सोल्यूशन थे, अगर ये दरवाज़ा को बीच से कट करो या फिर नया दरवाज़ा बैठाओ या फिर दो दरवाज़ा बैठाओ। तो उसको बिना कुछ किए हमने क्या किया, इधर एक डोर का स्ट्रिप जो पट्टी है उसको कट किया है, इधर में स्क्रू से फिक्स किया है। आप देख सकते हैं ये पूरा इधर स्क्रू से फिक्स किया है, और उसको फिक्स करने के बाद में इधर कड़ी वगैरह वो सब लगाया है, और इसके साथ में ये दरवाज़ा छोटा करके इसको इसे बैठाया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा ओपन होने के बाद में ये आराम से खोलता है। तो ये कम कॉस्ट में दरवाज़ा मॉडिफिकेशन में लाइव एग्जांपल है। निकाल करके उसको छोटा करके बैठा है ताकि ये आराम से खोले, ये आप आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे कम खर्चे में उसी दरवाजे को मॉडिफाई करके हम इंडियन डब्ल्यूसी का कमर होने के बाद में यूज़ कर सकते हैं, दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, कुछ आइडियाज़ के लिए मेरा नॉलेज ऑफ चैनल देखते रहिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।